हेलो दोस्तों, नमस्कार। के पीडीच अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का एक 30 क्वेश्चन का सेशन लाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? फर्स्ट ऑप्शन है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। सेकंड है, वह बहुत ही तनुक मिजाज होता है। थर्ड है, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। फोर्थ है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है। प्रतिभावान विद्यार्थी कक्षा में होने वाली ऐसी गतिविधियां जो प्रेरणा देने वाली या चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं, उनसे क्या प्रतिभाशाली बच्चे ऊब जाते हैं और ऐसा हमेशा चुनौतीपूर्ण आगे बढ़ने वाले विषय में रुचि नहीं लेते हैं? तो इस प्रकार से हमारा आंसर करेक्ट होगा फर्स्ट, बच्चे क्या ऊब जाते हैं प्रतिभाशाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। सेकंड है, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। थर्ड है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। फोर्थ है, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक शिक्षिका है जो कि प्राथमिक विद्यालय कक्षा में प्रभावी ढंग से अधिगम को बढ़ा सकती है। तो यहां पर बात करती है कि अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से या जिसके आधार पर व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में विषय वस्तु को विद्यार्थियों को जीवन के साथ जोड़कर प्रभावी अधिगम को अधिक अच्छी तरह से प्रभावित कर सकती है या प्रभावी तरीका बना सकती है। तो आंसर द करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथनों सही है? फर्स्ट ऑप्शन है, सॉरी ए, यहां पे बच्चे जानकारी की निष्क्रिय प्राप्त करता है। बी ए, बच्चे समस्या समाधान करता है। सी ए, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। डी ए, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो यहां पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित कथन कौन से सही है, कौन से कथन पूछे हैं तो कथन दिए गए। तो यहां पे बात करते हैं, फर्स्ट ए में दिया गया बच्चे क्या निष्क्रिय प्राप्त करता है। निष्क्रिय प्राप्त नहीं करता नहीं होते बच्चे, यहां पे सक्रिय प्राप्त करता है। तो ए हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। बी देखते हैं, समस्या समाधान करता है, ये हमारा उसे फॉलो कर रहा है। सी भी कर रहा है, वैज्ञानिक शोध करता है और पर्यावरण के आवश्यक सक्रिय अन्वेषक होते हैं। डी भी हमारा फॉलो कर रहा है। तो बी सी और डी हमारे आंसर होंगे। तो आंसर इधर हमारा करेक्ट होगा फर्स्ट, जो कि हमारे बी सी डी दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ में। विद्यार्थियों में प्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? फर्स्ट ऑप्शन है, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। सेकंड है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड है, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। फोर्थ है, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझना चाहिए। तो क्वेश्चन बोला गया है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यय विकास प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी विधि सबसे ज्यादा प्रभावी होगी। यहां पे बात करते हैं, प्रत्यय संप्रत्यय एक प्रकार की मानसिक श्रेणी है जिसमें घटनाएं, अनुभूतियां, विचारों के अर्थ समान होते हैं। इसमें विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए या उदाहरण देकर समझाना प्रभावी अधिक प्रभावी विधि होगी। तो आंसर इज करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीख सकेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, जहां शिक्षक एक अधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। सेकंड है, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही
ध्यान केंद्र होता है और बल दिया जाता है। थर्ड है जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। फोर्थ है जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चे उस वातावरण में प्रभावी ढंग से सीख सकेंगे या किस वातावरण अच्छी तरह से सीख सकेंगे। तो क्वेश्चन की अकॉर्डिंग बात करती है कि यदि प्राथमिक विद्यालय का वातावरण संवेगात्मक आवश्यकताओं जैसे बौद्धिक प्रेम एवं सामाजिक विकास आदि की पूर्ति करता है तो बालक उस वातावरण में अच्छी तरह से सीख सकेंगे। तो आंसर क्या करेक्ट होगा हमारे यहां पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है, वह कहता है एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। ए है यहाँ पे बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, बी है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, सी है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन हो जा रहा है कि एक बच्चा है जो खिड़की के पास में सामने बैठकर कौवे को देखता है और कौवा उड़ता है तो उसे एक पक्षी नाम देता है, तो बच्चे के विचार है वो किस प्रकार से हैं, क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा गया। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि बच्चा कौवे को देखकर उसे एक पक्षी कहता है तो इससे पता चलता है कि बच्चे पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है और साथ ही यह भी पता चलता है कि बच्चे की स्मृति का विकास हुआ है और बच्चे अपने अनुभव को भाषा द्वारा व्यक्त कर सकता है। तो यहां पे जैसे कि बी और सी इसे फॉलो कर रहे हैं कि बच्चे ने पक्षी के प्रत्ययों के बारे में विकसित हो चुका है और अनुभव अपने विकसित कर रहा है। तो आंसर द करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट, बी और सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो मिलती रहेंगी आपको। क्वेश्चन देखते हैं, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा कहे क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। फर्स्ट ऑप्शन है तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। सेकेंड है काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। थर्ड है इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थी की ऑनरेरी प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। फोर्थ है चलो इसे इसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो क्वेश्चन बोल रहा है कोई शिक्षिका है जो कि अपने विद्यार्थियों से कह रही है कि या अपने विद्यार्थियों में भीतरी आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए उन्हें ऐसा क्या कार्य प्रोत्साहन करे कि वो अच्छी तरह से कर पाए। तो जैसे कि हम बात करते हैं बालक में प्रेम रूपी प्रेरणा का विकास तीव्र गति से होता है, जहां पर कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को यह कह सकती है कि तुम अपना कार्य दूसरे बालकों से पहले समाप्त कर लो तो उस बालक में बेहतरी प्रेरणा का विकास होगा और वह प्रोत्साहित होकर कार्य को जल्दी समाप्त कर लेगा या कर लेता है। तो आंसर द करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहन कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, सेकंड है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, थर्ड है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, फोर्थ है उनमें चिंता और डर पैदा करके। जब ये सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई शिक्षिका है विद्यार्थियों में अध्ययन करने हेतु आंतरिक उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो यहाँ पे बात करते हैं बालक को उसके निर्धारित व्यक्तिगत लक्ष्य को पूरा करने एवं उसे निपुणता लाने के लिए शिक्षिका को विद्यार्थी को आंतरिक प्रेरित में प्रेरित रूप से प्रेरित करना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट होगा हमारा सेकेंड हो जाएगा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। फर्स्ट है रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्याश्रमण करने में अच्छे बने, सेकंड है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें,
थोड़े ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। फोर्थ है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो क्वेश्चन वो कह रहा है किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य उत्प्रेरित होना चाहिए विद्यार्थियों के प्रति। तो यहाँ पे बात करती हैं शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना चाहिए जिससे बालक सीखने के प्रति जिज्ञासु बने और नई नई बातें सीखना पसंद करें। तो आंसर इज़ करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे विकास का सिर पदानुमुख दिशा सिद्धांत व्याख्यात करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। फर्स्ट है भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सेकंड है सिर से पैर की ओर, थर्ड है ग्रामीण से शहर की ओर, फोर्थ है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। तो यहाँ पे विकास के सिर पदानुमुखी दिशा के बारे सिद्धांत के बारे में पूछा गया है तो किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे बात करती हैं विकास जो होता है हमारा सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। तो आंसर का करेक्ट हो जाएगा हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य वचन बचपन का समय, सेकंड है वयस्कावस्था, थर्ड है प्रारंभिक जीवन बचपन का समय, फोर्थ है जन्म पूर्व का समय। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है। तो भाषा विकास के बारे में बात करते हैं बच्चों में भाषा विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील समय जो होता है बचपन का समय होता है। इस अवस्था में बालक की अनुभूति सरल स्पष्ट एवं सही होती है। तो आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा प्रारंभिक बचपन का समय थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वीडियो को लाइक एंड शेयर कर साथ में। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं, बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रियाओं का परिणाम होंगी। फर्स्ट ऑप्शन है वृद्धि और विकास, सेकंड है स्वस्थ और परीक्षण, थर्ड है अनुशासन और पौष्टिकता, फोर्थ है अनुवांशिकता और वातावरण। यहाँ पे क्वेश्चन वो रह रहा है कि कोई शिक्षिका एक लड़की है 6 वर्ष की और खेलकूद में क्या वो असाधारण योग्यता रखती है या प्रदर्शन करती है, तो उसके माता पिता इन दोनों वो खिलाड़ी हैं और उसे नित्य प्रशिक्षण भी मिल रहा है और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण बहुत संभव है, तो उसकी क्षमताएं वो है किस परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हम भी बात करते हैं लड़के की क्षमताएं आनुवंशिक एवं वातावरणीय परिणाम होंगी क्योंकि अभी उसके पेरेंट्स भी खिलाड़ी हैं तो वो आनुवंशिकता जेनेटिक तरीके से मिल रहा है और इसे एक क्या है इन्वायरमेंट भी ऐसा क्रिएट किया जा रहा है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा आनुवंशिकता और पर्यावरण फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक कण के गौणवाहक हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय और पास पड़ोस, सेकंड है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, थर्ड है परिवार और रिश्तेदार, फोर्थ है परिवार और पास पड़ोस। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से समाजीकरण के गौणवाहक हैं। तो यहां पे बात करती है कि विद्यालय और परिवार के निकटतम सदस्य समाजीकरण के गौणवाहक होते हैं जो कि बालक के समाजीकरण प्रक्रिया का निरंतर चलती रहती है जो परिवार से ही प्रारंभ होती है और बालक के परिवार के सदस्यों से अंतःक्रियात्मक संबंध स्थापित करके व्यवहार करता है। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा विद्यालय और पाड़ पड़ोस फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक अन्योन क्रियाएं, सेकेंड है मानसिक प्रारूपों या स्कीमिजा का समायोजन, सेकेंड है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, फोर्थ है संतुलन। तो यहाँ पे लेव वाइगोस्की की बात आ रही है और संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण पूछा है। तो जब भी हमें लेव वाइगोस्की जी के बारे में बात करते हैं तो ये हमेशा समाज के बारे में बात करते हैं और समाज के अनुसार अंतः विकास का की बारे में बात करते हैं, अनुक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए सामाजिक अननोन क्रियाएं, आंसर इज करेक्ट हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलवर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए
आपको ईमानदार रहना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, सेकंड है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, थर्ड है कानून और व्यवस्था अनुकूलन, फोर्थ है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो क्वेश्चन पूछा रहा है कि कोई बच्चा है, विशिष्ट उत्तर कॉलवर के नैतिक तौर पर सोपान का विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। तो उसमें क्वेश्चन दिया, यदि आप ईमानदार हैं तो उसके माता पिता उस पर गर्व करते हैं, आप ईमानदार रहना चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस प्रकार से कॉलवर के नैतिक तर्क के सोपानों को पूरा करता है, उसके अंतर्गत आता है। तो इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, आंसर करेक्ट होना चाहिए हमारा सेकंड, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिन प्याजी के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, सेकंड है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, थर्ड है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, फोर्थ है शिक्षार्थी की द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो जैसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि जिन प्याजी के अनुसार अधिगम निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जिन प्याजी के बारे में बात कर रहे हैं, जिन प्याजी के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा जब पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन की जाती है तो वह सीखने के व्यवहार में आता है और बालक हमेशा पर्यावरण के साथ व्यवहार करता है। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहां पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिन प्याजी के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारियों में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में गठित होता है, इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सेकंड है साम्यकरण और संशोधन के रूप में, थर्ड है समावेशन और समायोजन के रूप में, फोर्थ है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। क्वेश्चन में बोला गया है कि जिन प्याजी के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने के लिए नवीन जानकारियों में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना को संशोधन करने में परिणाम रूप गठित होता है। तो यहाँ पे जिन प्याजे की स्कीमा के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि जिन प्याजे की संगणक अवस्था के प्रारूप में जब बालक स्कीमा का निर्माण करता है तो वह साम्यीकरण एवं समायोजन के रूप में जाना जाता है। तो आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड, सॉरी आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारे वैसे सेकंड होना चाहिए, साम्यीकरण और संशोधन के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, फर्स्ट ऑप्शन है नियामक है, सेकंड है समावेशन को हतोत्साहित करता है, थर्ड है आवृत्ति को बढ़ावा देता है, फोर्थ है खोज को प्रोत्साहन देता है। तो जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था शिक्षक ऐसे वातावरण उपलब्ध कराता है अधिगम को सुगम बनाने के लिए, कैसा वातावरण चाहिए, इस प्रकार से थोड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, शिक्षक को हमेशा शिक्षा के लिए ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जहाँ अधिगम को सुगम बनाया जा सके। प्रगतिशील शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा या कक्षा में खोजपूर्ण कार्य हेतु प्रोत्साहन देना चाहिए अधिगम को सुगम बनाने के लिए। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा हमारा फोर्थ, खोज को प्रोत्साहन देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि या आईक्यू परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, सेकंड है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, थर्ड है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदली जाती, फोर्थ है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कि गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसमें 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं। ये प्रतिभाएं किसी भी व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक भी हो सकती हैं।
एक शिक्षक को चाहिए कि वह विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों में पढ़ाने के लिए ऐसी रूपरेखा का उपयोग करे। आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा सेकंड। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण कर सकें। आंसर इसका करेक्ट हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है जिन प्याजे इसे अह केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। सेकंड है जिन प्याजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनुन क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोस की इसे खोजबीन मानेगा। थर्ड है जिन प्याजे और लेव वाइगोस की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेंगे। फोर्थ है जिन प्याजे और लेव वाइगोस की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रता प्रकृति के रूप में करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन बोले रहा है कि कोई लड़की 5 साल की लड़की है वो एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की का यह व्यवहार किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है? तो जैसे कि हम बात करते हैं कि लड़की का व्यवहार इस प्रकार होगा कि लेव वाइगोस्की के अनुसार लड़की अपनी निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने का प्रयास कर रही है और प्याजे के अनुसार वह लड़की की हेम केंद्रित भाषा होगी। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहां पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिंग है, फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक रचना, सेकंड है सहज गुण, थर्ड है सामाजिक संरचना, फोर्थ है जैविक सत्ता। तो यहाँ पे लिंग के बारे में पूछा गया है। तो जैसे कि यहाँ पे लिंग एक सामाजिक संरचना है जिसके अंतर्गत समाज में स्त्री पुरुष आदि निर्धारण किया जाता है। तो आंसर इज करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? फर्स्ट ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण, सेकंड है तथ्यों पर आधारित प्रत्यक्षमण के प्रश्न, थर्ड है वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, फोर्थ है सहयोगी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचना के सिद्धांत में आप दृढ़ विश्वास रखने वाले टीचर हैं या शिक्षक हैं, तो आपके नाते या अपने नाते आप बच्चे के आकलन के लिए कौन सी विधि को वरीयता देंगे? तो यहाँ पे लेव वाइगोस्की के अनुसार समाज संरचना सिद्धांत में सामाजिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें अधिगम से पूर्व बालक वयस्क व्यक्तियों में के बीच में अंत या अतः बालक के आकलन के लिए हमेशा प्रोजेक्ट विधि या संबंध को वरीयता देना आवश्यक है। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट, आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, सेकंड है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, थर्ड है शिक्षार्थियों के लिए कठोर नियमों का लागू करें, फोर्थ है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। इस प्रकार से दिया क्वेश्चन में, जैसे कि यहां बोला गया कि अपनी आपकी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। जैसे कि हम भी बात करती हैं, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में या कक्षा के व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को बच्चे से बातचीत करके उनकी दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। तो आंसर इसका करेक्ट होगा सेकंड, बच्चों से बातचीत करें और उनका दृष्टिकोण को महत्व दें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि फर्स्ट ऑप्शन है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्ट या फीडबैक प्राप्त हो, सेकंड है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, थर्ड है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, फोर्थ है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होगा यदि, जैसे कि अभी बात करते हैं आकलन के बारे में,
आंकलन और दुष्प्रयोग तभी होता है जब इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्ट या फीडबैक प्राप्त होता है। तो आंसर द करेक्ट हुआ हमारे यहाँ पे फर्स्ट, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रति फीडबैक प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा या एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिनायकीय, सेकंड है अनुमातिक परक, थर्ड है सुविधादाता, फोर्थ है सत्तावादी। तो यहां पे पूछा गया क्वेश्चन में कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है। तो जैसे कि हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक का उद्देश्य बच्चों के सीखने की सहज इच्छा और व्यक्तियों को संवर्धन बनाना जो सुविधाजनक हो और व्यवस्था सभी राज्यों में लागू की गई है। तो आंसर द करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग थर्ड, सुविधादाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विधिवत कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम फर्स्ट ऑप्शन है का एकमात्र निर्धारक होती है, सेकंड है के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, थर्ड है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, फोर्थ है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अनुसंधान क्या सुझाते हैं कि एक विधिवत कक्षा में विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाओं अधिगम के लिए किस प्रकार होनी चाहिए, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया। तो जैसे कि आप देखते हैं अनुसंधानों के आधार पर यह कहा गया है कि एक विधिवत कक्षा में अपने विद्यार्थियों शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों में अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, क्योंकि विधिवत प्रकार के बच्चे होंगे या विविध प्रकार के बच्चे होंगे तो उसे हम संसाधन के रूप में उसे प्रयोग कर सकते हैं। तो आंसर द करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ, पर प्रभावपूर्ण छोड़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेगी। यहां पे एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना फर्स्ट ऑप्शन है जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, सेकंड है विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, थर्ड है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, फोर्थ है एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो क्वेश्चन बोला गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करने के लिए किस प्रकार से अधिगम होना चाहिए, इस प्रकार से थोड़ा सा क्वेश्चन बोला गया है। तो जैसे कि आप बात करते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु एवं उनके परिवर्तन आकर्षित करता है, क्योंकि इस प्रकार के बच्चों को अलग प्रकार से अधिगम कराया जाता है। तो आंसर दे करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट, थोड़ी थर्ड आ जाएगा, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन करने की अपेक्षा रखता है, थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखते हैं, विधिवत प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अनुसार या सॉरी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, सेकंड है सही है क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, नीचे देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिए गए, गलत है थर्ड है गलत है क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाती है, फोर्थ है गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विधिवत प्रकार के सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो ऐसी कक्षा सभी विद्यार्थियों को अधिगम के लिए किस प्रकार का अनुभव बढ़ाती है, तो उसमें से कथन पूछा गया है कौन सा सही है। तो जैसे कि अभी कथन में बात करती हैं कि ऐसे बच्चे अपने सहपाठियों एवं साथियों से अनेक कौशल सीख सकते हैं, तो आंसर द करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट, क्योंकि विधिवत प्रकार के पृष्ठभूमि के बच्चे होंगे वहां पर उन्हें विशेष बहुत सारी प्रकार की चीजें सीखने के लिए मिलेंगी और एक दूसरे से अपने अनुभव साझा करेंगे, तो आंसर द करेक्ट होगा हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
सुनने में असमर्थ बच्चा फर्स्ट उसने केवल अकादमिक कक्षा सॉरी शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सेकेंड है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। थर्ड है, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। फोर्थ है, श्रवण अक्षमता सॉरी असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, सुनने में असमर्थ बच्चा, सुनने जो बच्चा सुन नहीं सकता या सुनने में उसे थोड़ी सी दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है, तो किस प्रकार से उसका इन्वायरमेंट होना चाहिए क्लास का या होना चाहिए, क्या उसे कर सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन में बोला गया है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, एक बधिर बालक या सुनने न सुनने वाला बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है यदि उसे यहीं पर उसके लिए उपयुक्त सुविधाएं या साधन उपलब्ध कराए जाएं। तो आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। तो दोस्तों सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।